दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को लेकर। बेहतरीन तरीके से इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमने यहाँ लिखा है संपर्क माध्यम। देखिए इस आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद नाम से यहाँ संभवतः आपको ब्लर नजर आ रहा होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल दोनों क्रिएट हुआ है। आप इन सभी किसी भी चाहे टेलीग्राम पर चाहे इंस्टाग्राम पर आप जाकर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपसे कहूंगा, टेलीग्राम की आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, क्योंकि टेलीग्राम हमने 2-3 चैनल क्रिएट कर दिया था इसलिए आपका मैसेज मुझे नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग अलग अलग आईडी पर जा रहे हैं, मैसेज मुझे नहीं मिल पा रहा है। प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि आप इस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आप जाइए, आप वहां से उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। हर मैसेज का रिप्लाई कोशिश यही रहती है कि आपके दिया जाए। हमने यहां नीचे लिखा है, आप यहां देख पा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपके द्वारा किए गए मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता है, ठीक है। कल किसी ने हमसे फोन किया मैसेज किया और वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। मेरे दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपके मैसेज का रिप्लाई दिया, आपके कॉल्स का रिप्लाई दिया समय रहते हुए, ठीक है। अब आप हमेशा मेरे पास मैसेज करेंगे और कॉल करेंगे तो हम आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि रिप्लाई नहीं देंगे तो मैं चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। आप स्वतंत्र हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं आप कर सकते हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हमारे पास समय रहेगा, जब हमारे पास वक्त रहेगा, तभी हम आपके मैसेज का रिप्लाई दे पाएंगे। मैं यहाँ जो है आपके अच्छाई के लिए कह रहा हूँ यार, लगातार आप दिन भर हमारे पास मैसेज करें तो हम आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, या अगर आप ही मेरे जगह होते तो आप नहीं दे पाते, ठीक है। तो आप बात को समझने का प्रयास करें। कल किसी ने कहा, उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूं, हमने एक गेस करके मार्किंग का वीडियो बनाया था और हमने इस आवेदन की तिथि को लेकर उनसे कहा था कि आपकी आवेदन की तिथि 90% बढ़ेगी, ठीक है, और आप अगर इच्छा है तो रुक सकते हैं, नहीं इच्छा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। हमने किसी को पर्सनली नहीं रोका था कि भैया आप रुके रहिए, ठीक है। हमने यही चीज आपसे कहा था कि आपकी इच्छा है तो आप रुक सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप आवेदन कर सकते हैं। हम आपको यह नहीं कहेंगे कि हाँ 100% डेट बढ़ती है, हाँ इतना मैंने आपको जरूर कहा था कि 90% डेट बढ़ेगी। हमने भी एक संभावना जाहिर की थी, उम्मीद यही थी कि डेट बढ़ सकती है। अभी भी मैं आपसे संभावना जाहिर करता हूं, ऐसा नहीं है, चूंकि आवेदन बहुत कम आए हैं इस वजह से कुछ भी अभी हो सकता है। फिर से मैं कहूंगा कि मैंने कभी किसी को नहीं रोका था, हाँ मैंने इतना जरूर कहा था कि अगर आपकी इच्छाएं हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं इच्छाएं हैं तो आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा कहते हैं कि पर्सनल हमने ही आपको रोका था तो आप यह गलत कह रहे हैं, ठीक है। या जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अगर कोई इसमें से कह दे कि हमने आपको रोका था आवेदन मत करें, तो हमने नहीं रोका था भैया, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे सबसे नीचे से, यहाँ बात करना प्रारंभ करते हैं माइनॉरिटी कॉलेज की, ठीक है। लगातार आप माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं, यह एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आप बिना आवेदन के एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है किसी ने माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में पता किया तो वहाँ पर फीस कुछ ज़्यादा ही मांगी जा रही है। कल किसी ने कहा कि सर हमारे यहाँ 46,000 मांगी जा रही है, ठीक है, और किसी ने और कहा कि 51,000 मांगी जा रही है। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी कॉलेज की फीस अलग नहीं होती है। 46,000 अगर वो ले रहे हैं तो 5,000 रुपये अपने जेब के लिए ले रहे हैं, 41,000 रुपये आपकी फीस ही है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हमारी और आपकी मजबूरी है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान होगा, ठीक है, तो वो आपकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आपकी इच्छाएं हैं तो आप एडमिशन ले सकती हैं, बट एक चीज का आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहले उनसे फीस के बारे में बेहतरीन तरीके से आप जान लीजिएगा, ठीक है। चूंकि एक बार जब हम 40-45-45,000 रुपया लगा देंगे तो हमारी मजबूरी होगी कि जो वो मांगेंगे वो हम देंगे, ठीक है। तो इस वजह से पहले फीस के बारे में पूरी तरह से उनसे क्लियर कर लीजिएगा कि हम साल भर आपके यहाँ, एक साल की फीस आपकी कितनी होगी। 41,000 रुपये तो टोटल 41,000 होती ही है। वो आप कहेंगे कि आप किट का दीजिए, प्रैक्टिकल का दीजिए, फाइल का दीजिए, इतनी इतनी फीसें लेते हैं कि अब हम आपको क्या बताएं।
तो आप इसके बारे में जान लीजिएगा। वैसे पहले भी आपकी 41,000 की जगह 41,000 की जगह वो 46,000 ले रहे हैं, तो इसके बारे में आप पता कर लीजिएगा। हाँ, इनका जो मैनेजमेंट कोटा होता है इस वजह से कुछ ज़्यादा आपकी फ़ीस लगती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा फीस आपकी लगती है ये भी सत्य है, क्योंकि भैया माइनॉरिटी कॉलेज में जो कोई ओपन किया रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो पैसे के लिए किया रहता है, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा तो लगेगी है, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप एडमिशन से पहले पूरी फीस स्ट्रक्चर को इनकी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, किसी ने कहा कि क्या माइनॉरिटी कॉलेज मींस अल्पसंख्यक कॉलेज होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या माइनॉरिटी कॉलेज में सिर्फ अल्पसंख्यक का ही एडमिशन होता है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी कॉस्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है, ये मायने नहीं रखता है कि सिर्फ यहाँ अल्पसंख्यक का ही एडमिशन होगा, ठीक है। आप SC OBC जनरल कुछ भी हो तो आपका एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में होता है, ठीक है। चलिए, हमने कहा आपसे, अच्छा यहाँ से अब हम बात करेंगे BEd UP DLED के काउंसलिंग की प्रक्रिया का BEd से क्या संबंध है। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा, हर वर्ष का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो BEd की काउंसलिंग पहले होती है और DLED की उसके पीछे चलती है, ठीक है। इसके पीछे रीजन यह होता है कि जो BEd की मांग होती है, अगर आपने, हमें लगता है कि कुछ लोग BEd में भी अप्लाई किए होंगे, कुछ लोग DLED में भी अप्लाई किए होंगे, किए हैं ये सत्य है, ठीक है, आप बताएं या ना बताएं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि BEd की काउंसलिंग पहले होती रहती है, उसके पीछे पीछे DLED की काउंसलिंग होगी, ठीक है। अब दोनों में एक पूल काउंसलिंग होती है, ठीक है, अभी इस पे चर्चा हम आगे करेंगे, मैटर यहां लिखा गया है, ठीक है। देखिए, DLED में भी पूल काउंसलिंग होती है और BEd में भी पूल काउंसलिंग होती है, ठीक है। अब इसका क्या संबंध है, अच्छा BEd की पहले काउंसलिंग ये करवा लेते हैं, उसके पीछे रीजन यहां होता है कि जो DLED का BEd का प्रोसेस होता है वह विश्वविद्यालय स्तर से होता है, विश्वविद्यालय वाले हमेशा अपनी चीज को आगे रखते हैं, ठीक है। इस वजह से BEd की काउंसलिंग पहले होती है, बचते हैं DLED वाले। DLED वालों में होता क्या है कि अभी 168,000 आवेदन आए हैं, ठीक है, 168,000 इस DLED में आवेदन आए हैं, तो यह मान के चलिएगा कि कम से कम 25-30 हज़ार लोग जो है BEd में भी ऑनलाइन किए होंगे, और 25-30 हज़ार में अगर हम मान लें एक मोटी मोटा तौर पर, तो कम से कम 25-30 हज़ार नहीं किए होंगे, बहुत किए होंगे, ठीक है। आप 168,000 50,000 मान के चलिए, तो अगर हम इसमें मान लें कि BEd में भी कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, कम से कम 40,000 लोग BEd में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और BEd को लोग वरीयता ज़्यादा दे रहे हैं, इस वजह से दे रहे हैं कि चूंकि जो BEd की मान्यता है वो प्राइमरी से इंटर लेवल तक ही है, ठीक है, प्राइमरी से आप टीचर बन सकते हैं इंटरमीडिएट तक। लेकिन वहीं DLED की अगर हम बात करें तो DLED में आप अगर DLED कर रहे हैं तो आप प्राथमिक से सिर्फ जूनियर तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन विडम्बनाएं यहाँ यह है कि BEd बनाम BTC का केस चल रहा है, BEd कभी भी प्राथमिक से बाहर हो सकता है, यही असमंजस की स्थिति व्याप्त है। अब आने वाला समय बताएगा कि BEd बाहर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। रही बात संबंध की, तो बिल्कुल दोनों का एक दूसरे से कोरिलेट होता हुआ चलता है। अभी इसको हम जो है आगे ये क्या कहते हैं, पूल काउंसलिंग पर बेहतरीन तरीके से और भी चर्चा की जाएगी। अच्छा, यहाँ देखिए, BEd की काउंसलिंग कब से होगी, देखिए BEd की काउंसलिंग कब से होगी मैं आपसे बताना चाहूँगा। जो BEd का रिजल्ट आने वाला है वह 5 अगस्त को इनका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 5 अगस्त को BEd का रिजल्ट आ जाएगा, और 5 अगस्त के रिजल्ट के बाद इनकी जो काउंसलिंग है वह 10 अगस्त से चालू हो जाएगी, ठीक है, यह 10 अगस्त से चालू हो जाएगी, यह सत्य है। 10 अगस्त के पहले भी चालू हो सकती है, संभवतः 7 या 8 से चालू हो जाएगी। अच्छा, इनकी प्रक्रिया बहुत आगे रहती है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, यह पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर देते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा। DLED वाले ये कभी इस तरह की करते हैं, कभी ऐसा करते हैं, इनका कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। खैर, गलत नहीं है DLED, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो BEd का जो रिजल्ट है वह 5 को आएगा, इसकी काउंसलिंग 10 से पहले चालू हो जाएगी, ठीक है। अब सवाल उठता है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर BEd की काउंसलिंग जो है 10 से कराई जा सकती है तो आखिरकार DLED की क्यों नहीं कराई जा सकती है। मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर कोई कह रहा है कि DLED की काउंसलिंग इस डेट से स्टार्ट है, तो DLED की काउंसलिंग की प्रक्रिया की डेट अभी नहीं आई है, ठीक है। अगर कहीं भी आप किसी भी चैनल से देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि आप किसी प्रमाणित चैनल पर जाएँ जो आपको लगता है कि ये हमें जानकारी बेहतरीन तरीके से देते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरा ही चैनल देखिए,
ठीक है, आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप किसी ऐसे चैनल पर विजिट करें जहां पर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हमें सटीक और प्रमाणित जानकारी मिलती है। ठीक है, हाँ, यहाँ लिखा गया है डीएलएड के काउंसलिंग के बारे में लोग विभिन्न तरह की बातें आपके सामने ला रहे हैं सिर्फ बिव्स के लिए। अच्छा, कल किसी ने कहा कि आप बिव्स के लिए काम करते, नहीं, अगर आप ऐसा कहते हैं तो गलत है। मैं बिव्स के लिए काम नहीं करता हूँ, अगर बिव्स के लिए काम करता तो ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम नहीं देता आपको, वहां भी मैं संतुष्ट कर देता हूं तो आप वीडियो नहीं देखेंगे। जाहिर सी बात है, जो बात है वो सत्य है। ठीक है, अगर हम आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर संतुष्ट कर रहे हैं तो हम काहे को ये आईडी देंगे। हम बिप्स के लिए अगर काम करते तो ये आईडी आपको कदापि नहीं देते मेरे दोस्त, यह चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप ऐसा मत किया करें। चलिए, हाँ, डीएलएड की काउंसलिंग के बारे में हमने कहा आपसे, अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है, डेट बढ़ने न बढ़ने की बात अभी हम आगे करेंगे। यहाँ लिखा भी गया है काउंसलिंग की डेट जैसे भी आती है, काउंसलिंग कब से कराई जाएगी, तो बेहतरीन तरीके से इस पर हम पूरे स्ट्रक्चर के साथ आपसे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पूल काउंसलिंग में क्या बिना आवेदन वालों का एडमिशन होगा, देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा। पूल काउंसलिंग में अगर देखा जाए, चाहे पूल काउंसलिंग हो, चाहे कोई भी काउंसलिंग हो, ठीक है, इसमें किसी भी बिना आवेदन वालों का एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, चाहे वह कोई भी काउंसलिंग करवा रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि बिना आवेदन वालों का भी एडमिशन हो जाएगा तो वो पूरी तरह से गलत है। ठीक है, हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि आपकी रैंक बीएड में भी आपकी स्टेट रैंक बनती है, ठीक है, और डीएलएड में भी आपकी स्टेट रैंक बनती है। दोनों में रैंक के हिसाब से काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाती है। समस्या ये उत्पन्न होती है कि जिनका कोई कॉलेज अलाट नहीं होता है, लास्ट में ही पूल काउंसलिंग करा कर इनका एडमिशन करवा दिया जाता है। और डीएलएड में क्या होता है, डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, डायरेक्ट एडमिशन बीएड में भी होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बीएड में जो कैंडिडेट बच जाते हैं उनके लिए भी समय दिया जाता है कि भैया आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, कोई समस्या उनको भी नहीं होती। बीएड में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है, यहां भी कोई समस्या नहीं होती है। हाँ, यह है कि जाहिर सी बात है कि डीएलएड में सीटें ज्यादा रहती हैं, तो हमेशा हर वर्ष डायरेक्ट एडमिशन हुआ है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एडमिशन उन्हीं का होगा जो आवेदन किए रहेंगे। ठीक है, और जो आवेदन नहीं किए रहेंगे उनके लिए सिर्फ एक ही स्थान बचता है, माइनॉरिटी कॉलेज। अगर वो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, कोई जाति पात का कोई भी यहां ब्यौरा नहीं रखा जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि आपसे अल्पसंख्यक कॉलेज है तो सिर्फ अल्पसंख्यक ही यहां एडमिशन लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमने भी पता किया, दो चार कॉलेज मेरे भी जान पहचान में है, वहां भी हमने जानना चाहा। और हां, एक चीज कल किसी ने पूछा कि सर माइनॉरिटी कॉलेज हमें बता दीजिए, तो भैया आप बहुत दूर के हैं, हमने आपसे जानना चाहा, तो इस वजह से आप यहां नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो खैर, अगर आपकी इच्छाएं होंगी तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे कि माइनॉरिटी कॉलेज कहां पर उपलब्ध है। ठीक है, चलिए, हम आप बात करते हैं आवेदन की तिथि को लेकर। देखिए, आवेदन की तिथि बढ़ना ना बढ़ना वो हमारे हाथ में नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आवेदन की तिथि बढ़वा दीजिए। भैया, मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आवेदन की तिथि बढ़ाना वो पीएनपी का काम है। हमारा जो धर्म था, हमने आपके सामने ट्विटर अभियान का आयोजन किया, उसमें आपकी जो स्थिति परिस्थिति रही वो निराशाजनक रही। ठीक है यार, अगर आपको आवेदन की तिथि बढ़वाना ही था तो आपको ट्विटर पर ट्रेंड करना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए कि हम ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, वो हमारा काम नहीं है। डेट बढ़ेगा आपका फायदा होगा, हमारा फायदा नहीं होगा। ठीक है, बस हमारा फायदा यही होगा कि अगर आप डीएलएड करेंगे, जब हम अपने चैनल के माध्यम से डीएलएड की क्लासें चलाएंगे तो आप वहां से वीडियो को देखेंगे, यही फायदा हमारा है। ठीक है, तो यार आप अपने फायदे के लिए आप और लोगों को इकट्ठा करिए। ठीक है, उनसे भी आप ट्विटर ट्रेंड करवाइए, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं। हमने आपसे जब ट्विटर की बात किया था तो यही हमने आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की थी कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जहां तक आवेदन की तिथि को लेकर बात रही, तो अब हम आपसे कहना चाहेंगे यहां पर 0% चांसेस हैं, कोई भी चांस नहीं है डीएलएड के आवेदन की तिथि बढ़ने का। हां, अगर ऐसी कोई अपडेट आती है कि डीएलएड की तिथि फिर से बढ़ाई जाएगी तो आपको मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को इस मुद्दों पर कंफ्यूजन जरूर था। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।